भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ना जाने कितने वीरों ने अपने प्राणों को बलिदान कर दिया और उनको ब्रिटिशर्स की क्रूरता का सामना करना पड़ा। इस समय कई प्रकार की सजाओं का प्रावधान था, लेकिन काला पानी की सजा एक ऐसी सजा थी जिसके नाम से ही कैदी कांपने लगते थे। ये सजा सजाए मौत से भी काफी बदतर थी। अगर किसी को दो ऑप्शन दिए जाएं कि काला पानी की सजा या फिर फांसी, तो वो निश्चित ही फांसी चुनेगा, क्योंकि यह सजा थी ही इतनी खतरनाक। आइए जानते हैं काला पानी की सजा के बारे में, आखिर यह सजा क्या थी और कैसे इसमें कैदियों को दंड दिया जाता था। भारत भूमि से हजारों किलोमीटर दूर इस जेल में जो एक बार पहुंच जाता है, उसका वापस लौटना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि इसके बीच में बहुत ही दुर्गम रास्ते पड़ते हैं। ये जेल अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी हुई है। इसे अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को कैद करने के लिए बनाया गया था। ये जेल गहरे समुद्र से घिरी हुई है, जिसके चारों ओर कई किलोमीटर तक सिर्फ पानी ही पानी दिखता है। और हैरानी की बात तो ये है कि इसकी चार दीवारें भी काफी ऊंची नहीं है। इसको एकदम छोटा बनाया गया है, जिसे कोई भी आसानी से पार कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी इस जेल से कोई नहीं भाग पाता था, क्योंकि ऐसा करने पर कैदी समुद्र के पानी में ही डूब कर मर जाते। इस जेल का नाम सेकुलर पड़ने के पीछे भी एक वजह है। यहाँ हर कैदी के लिए अलग अलग सेल होती है और हर कैदी को अलग अलग ही रखा जाता था, ताकि वो एक दूसरे से बात ना कर सकें। ऐसे में कैदी बिल्कुल अकेले पड़ जाते थे और वो अकेलापन उनके लिए सबसे भयानक होता था। इस जेल में ना जाने कितने भारतीयों को फांसी दी गई और ना जाने कितने अन्य वजहों से मर गए, लेकिन इनका कोई भी इतिहास नहीं है और इसीलिए इसको भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय कहा जाता है। इस जेल की नींव 1897 में रखी गई थी। इस जेल के अंदर 694 कोठरियां हैं और इन कोठरियों का उद्देश्य बंदियों के आपस के मेल जोल को रोकना था। ऑक्टोपस की तरह 7 शाखाओं में फैली इस विशाल कारागार के अब केवल 3 अंश बचे हैं। कारागार की दीवारों पर वीर शहीदों के नाम भी लिखे हुए हैं। यहाँ एक संग्रहालय भी है, जहाँ उन अस्त्रों को देखा जा सकता है जिनसे स्वतंत्रता सेनानियों पर अत्याचार किए गए थे। इसमें कैदियों पर सरसों का तेल भी निकलवाया जाता था। इसमें बैलों की जगह पर कोहलू में उन कैदियों का प्रयोग होता था। इतनी मेहनत के बावजूद भी उनको खाना ऐसा मिलता था जिसको आप खाने की तो बात छोड़ो, देखना भी नहीं चाहेंगे। उनको कई दिनों का रखा हुआ भोजन दिया जाता था और पानी ऐसा दिया जाता था जिसमें कीड़े पड़े हों, और अगर कोई कैदी इसको खाने से मना कर दे तो उनको बहुत ही खतरनाक सजाएं दी जाती थी, जैसे कि 4 दिन तक भोजन न मिलना। और भी कई सजाएं दी जाती थी काला पानी की सजा में, और ना जाने कितनी यातनाएं दी जाती थी जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। काला पानी की सजा अपने आप में बेहद खतरनाक सजा थी। आपको इसके बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और हर जगह इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि सबको पता लग सके कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कितने कष्ट उठाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही अमेजिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।